आज पूरे भारत में कांग्रेस के द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसमें सिवनी जिले में भी सिवनी जिला मुख्यालय सहित सभी जगह कांग्रेस के बंद का मिला जुला असर रहा। सिवनी में जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना द्वारा बैलगाड़ी पर सवार होकर यात्रा सभी चौराहे पर घुमाई गई। गंसोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई। छपारा में भी साइकिल यात्रा निकालकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ में भी बंद का मिला जुला असर रहा। हालांकि पूरे जिले में अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, बंद शांतिपूर्ण ही रहा। सिवनी से पवन पाठक की एक रिपोर्ट। अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार संपूर्ण देश पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एवं गैस वृद्धि ऐसी अनेक खामियां, राफेल घोटाला, इन सब मुद्दों को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बंद किया गया है। उसी तारतम्य में हमने हमारे विकासखंड छपारा को भी इससे जोड़ा है। आज सभी कांग्रेस साथियों द्वारा नगर के सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे संचित छोटे से निवेदन पर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जो हिसाब से आसमानों को छू रहे हैं उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भारत बंद का आज आह्वान दिया था। और हम बहुत खुशी से कह रहे हैं कि भारत बंद हमारा सफल रहा, आप सबका बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से ये सरकार रेटों को बढ़ाए जा रही है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत देश उन देशों में गिना जाएगा जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल टाइप के देश गिने जाते हैं। आज एशिया में भारत का पेट्रोल सबसे महंगा पेट्रोल है, अगर आप पाकिस्तान से पीछे हट जाए तो। ऐसा क्यों है? मोदी सरकार हमें इस चीज के लिए जवाब क्यों नहीं देती? रफाल डील का घोटाला के पीछे मोदी सरकार हमें जवाब क्यों नहीं देती? महिला अत्याचार हो रहे हैं, इन सब के बारे में क्यों नहीं देती मोदी सरकार हमें जवाब? शिवराज सरकार, मोदी सरकार से हमें ये जवाब चाहिए। और जब तक हमें ये जवाब नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष बाकायदा जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस बंद बुलाया, कितनी हद तक सफल रहा घनसोर में, क्या कहना चाहेंगे? घनसोर बंद 100% सफल रहा और सभी व्यापारियों ने सहयोग की आयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कांग्रेस के लोगों ने सहयोग किया उसके लिए सभी को धन्यवाद। और सभी कर्मचारियों ने, प्रशासन ने जो सहयोग किया उसके लिए भी धन्यवाद। इससे साफ जाहिर होता है कि पेट्रोल कीमत और रसोई गैसों की जो कीमत बढ़ी हुई है उनको आम आदमी सब परेशान है। और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भी आम आदमी कांग्रेस को सपोर्ट करती दिख रही है। स्वराज बताइए, घनसोर सोशल मीडिया में घनसोर कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वो उसका जिला प्रशासन का काम, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राणा जी है, उस विषय में निर्णय लेंगे और जल्दी आप लोगों को। नहीं, कांग्रेस के कुछ सदस्यों के ऊपर विधायक जी के इशारों पे वसूली करने के आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये गलत है, झूठ है। आपको जो खबर मिली वो निराधार। धन्यवाद।